अभी तो बस शुरुआत की है, जीतने को पूरी दुनिया पड़ी है। मैं खुश हूँ जो आपकी दुआ लगी है, फिर भी पता नहीं क्यों आंखों में नमी। एक तेरा ही दरबार सजा, बाकी सब पर। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके? ठीक हो? बढ़िया हो? बस बढ़िया ही रहो। आज फिर एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज तो भाई साहब गर्मी इतनी ज्यादा है, मतलब अगस्त एंड में टेम्परेचर दिखा रहा है 40 डिग्री। देखो इतनी मतलब उबलती हुई गर्मी है, पूछो मत, बुरा हाल है। तो बस अब जा रहा हूँ ऑफिस, आज छोटे मोटे काम करने निपटा के आऊँगा, कल सुबह जाना है आपको पता है, पंजाब के लिए निकलना है, तो बस आज निपटा के आऊँगा। अभी शायद सिमरन मेरे साथ जाएगी, देखते हैं अभी आती है तो पता लगेगा। तो ये देखो पार्लर जाने की इतनी जल्दी, घर पर ब्रेकफास्ट भी करके नहीं आई और गाड़ी में कर रही है। मतलब कल बाहर जाना तो पार्लर जा रहा हो, नहीं जा रहे हो अभी? काम से जा रहे हो? काम ही होता है लेडीज का तो पार्लर जाना होता क्या है? बोलो तो पार्लर चल रहे हैं सारे। दो महीने में एक बार जाती हूँ मैं। हाँ तो मतलब वैसे जाओ ना, बाहर जाना तो जाना है। मैंने समझ लिया, अगर आप समझोगे तो कमेंट करके बता देना एक बार, कौन समझ सकता है ये बात, कमेंट बता करना जरूर, ठीक है ना? कोई बात नहीं, उल्टे आए सीधे आए, कमेंट तो कमेंट ही आएंगे, साथ तो मेरा ही देंगे सारे। चलो देखते हैं आज किसका साथ कौन सा ज्यादा देता है, ये भी बात लग जाएगा, ठीक है ना? बेइज्जती मत करना मेरी। मेरी भी। अब देखो सबसे डर पेट्रोल गाड़ी में बिल्कुल भी नहीं है, पेट्रोल पूरा खत्म हो चुका है, गाड़ी फुल करानी है और पैसे जेब में है नहीं। मैं कार्ड लाने भूल गई, मैंने अपना वॉलेट इसको दिया संभाल लियो, 3 दिन पहले मैं देना भूल गया, मुझे मेरा रखता नहीं हूँ मैं। तो मेरे को गूगल पे यूज नहीं करना, मेरे क्रेडिट कार्ड से डलवाना है। वो तो मेरे फोन में पेटीएम में सब कुछ है, पर ऐसे ढूंढना होता है मेरा जो एक हिसाब चलता है कि मैंने क्रेडिट कार्ड से ही पेट्रोल डलवाता हूँ। मेरा सिस्टम एक बना हुआ है कि मैं पेट्रोल हमेशा क्रेडिट कार्ड से डलवाता हूँ, जो मेरे को आइडिया रहता है कि मैं महीने का कितना तेल लगा। तो ये गलत है ना, मैं गूगल पे लिख के डलूँ, अब मुझे आपके चक्कर में 100-200 रुपए डलवाना पड़ेगा, मैं फुल लेकर आऊंगा गाड़ी, गलत बात है ना? ऐसी ऐसे नहीं होता ना, मतलब सारा सिस्टम बिगाड़ कर देते हैं यार, जो है पता मुझे होता नहीं इनको। तो मैं आज आपको एक बधाई और दे दूं, मतलब आप लोगों के प्यार की वजह से जो चैनल मेरा चल रहा है, तो आज हमारे चैनल को 1 साल हो गया पूरा। आज के दिन पहली वीडियो अनीशा ने डाली थी अपनी, ब्लॉगिंग फर्स्ट अनीशा ने ही स्टार्ट करी थी, ये फर्स्ट बॉम्बे में थी वो, और उसने 1 सितंबर को सबसे फर्स्ट ब्लॉग डाला था, और मैंने ये चैनल लिया था नवंबर में। हाँ, नवंबर एंड में आपने टेक ओवर किया था, बिकॉज उसके प्रीलिम्स आने वाले थे 10th के, वो टाइम मैनेज नहीं कर पा रही थी। तो थैंक यू, आप लोगों ने इतना प्यार बना के रखा हमारे चैनल के ऊपर, इतना प्यार देते हो आप लोग, तो ऐसे ही चैनल बस आपके आशीर्वाद की वजह से ग्रो करता रहे डे बाय डे, ठीक है ना? थैंक यू, थैंक यू अनीशा को बोलेंगे हम। मैं मतलब जानता नहीं हूँ हरदीप है कौन, सबसे ज्यादा कमेंट हरदीप के आते हैं, सब कुछ आते हैं, लगता है वो हमारा रिश्तेदार है, वो हमारा रिश्तेदार नहीं है। मैं भी जानता भी नहीं हूँ, ना मैं कभी मिला हूँ, ना मैंने कभी उसकी शक्ल देखी है। भाई साहब हरदीप जी, अगर आप मेरा ब्लॉग देखते हो तो हुई हो रोज, मुझे पता है कमेंट भी सबसे ज्यादा करते हो, एक बार मिलने की कृपा करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मैं आपको मिलना चाहता हूँ, क्योंकि आपसे फैमिली रिलेशन ही बन गया है अब तो। बात तो कभी हुई नहीं, पर मिलना चाहता हूँ मैं आपसे एक बार। फोन मार देना, नहीं आ जाओ, ठीक है? फ्री होके वो पार्लर है आपका सामने, अपने आप नहीं आओगे वो फोन मार देना, ठीक है? हो गया चार्ज। तो ना एक बात मैं इसे आपको और बताना चाहता हूँ, मेरे इंस्टाग्राम पे ना मेरे को मतलब मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, मुझे बहुत सारे ऑडियो कॉल्स करते हैं, वीडियो कॉल्स करते हैं, तो वो आप भी समझते होंगे कि मैं उस कॉल उठाता नहीं हूँ या क्या है। मैंने ना क्लिक किया अपने इंस्टाग्राम की, इतनी कॉल्स बचती थी, मैंने नोटिफिकेशन उसकी ऑफ की हुई है, तो मुझे पता नहीं लगता कि कोई कॉल आ रही जा रही है, तो उससे बेटर है आप मुझे रिटर्न मैसेज कर दिया करो, मैं मैसेज का रिप्लाई करता हूँ, हर एक मैसेज का रिप्लाई करता हूँ, कॉल का मुझे बिल्कुल पता नहीं लगता। तो प्लीज़ कॉल करने के बजाय मुझे मैसेज कर दिया करो, वो ज्यादा बढ़िया आपके लिए। तो सिमरन को लेने आया था यहाँ पे पार्लर में रजौरी गार्डन, हमारे शिल्ली भाई साहब मिल गए, कहते मोमोज खिलाओ, तो भाई दुकान में मोमोज खाने आए हैं। क्यों भाई, कौन दिखाएगा ये होता? दुकान दिखाइए भाजी की, ये कौन दिखाएगा ये होता? तंदूरी मोमोज, तंदूरी मोमोज खिलाओ भाजी, अंदर फिर वजिया ये खाओ खाओ वजिया। तो वो देखो अंदर सिमरन अपने बाल करा रही है, मैं और शिल्ली बार मजे कर रहे हैं। मैं आया था सिमरन को लेने के लिए, शिल्ली भाई बार मिल गया, मेरा भी अच्छा टाइम पास हो जाएगा, तू भी कल्ला मैं भी कल्ला, दोनों कल्ले कल्ले, तू कल्ले हो गए।
वो देखो अंदर बैठी है भाई साहब, मजे में उन्हें बाल कलर करा दी, शीशे में देख रही है। हो गया, हो गया। चले फिर, सुबह से लेके अब तक टाइम 8 बजे जा दिया आपने। चलो चले। कैसा लगा मेरी बॉयफ्रेंड आपको ये बताना, कमेंट करके बताना जरूर बॉयफ्रेंड कैसा लगा। आज हम स्पेशल ट्रेन पे है, अब इसको मैंने वहाँ से पिक किया पार्लर से, यहाँ से हम लोग सीधा जा रहे हैं गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए। आज स्कूटर पे आए जबकि कार थी, कह रहे नहीं आज स्कूटर पे घूमेंगे। मार्केट है, मार्केट में इतना रश होता है क्या करें, चलो आपको दर्शन कराते हैं। और यहाँ से जा रहे हैं गणपति जी के मथा टेकने, पहले सोचा था स्कूटर पे चला जाए, फिर मैंने कहा थोड़ी बात जाके पटेल नगर वापिस फोन आएगा, पापा को पिक कर लेते हैं, वहाँ से पिक करते हुए गणपति जी का मथा टेक के आ जाएंगे सीधा, ठीक है ना। तो राजेश को भी ले लिया खन्ना साहब को, आप भी शक्ल दिखा दे ना, क्योंकि तीन दिन हम लोग जाएंगे बाहर तो घर पे यही रहेगा, ठीक है ना, रहेगा ना के साथ के साथ एंजॉय करेगा। बदल जा, ये देखो गणेश उत्सव मनाया जा रहा है सब जगह, और लाइट कितनी अच्छी लगी हुई है पूरी सब जगह, डेकोरेशन तो वाकई बड़ी अच्छी की हुई है ना, क्या बोलते हो। तो यहाँ आके भाई साहब बचपन याद आ गया, ये हमारा घर होता था और ये गणेश जी का यहाँ पे होता था, वहाँ मथा टेकने जा रहे हैं अभी। मेरा जूता गायब हो गया यहाँ पे आया था, चलो जो ले गया भगवान उसको भी दे, उसको भी जरूरत होगी, हो सकता है, कोई बात नहीं, अभी जाके नए जूते लूँगा, अब नंगे पाँव जा रहा हूँ, देखो अबे जूता गुम हो गया। जूता ले गया कोई क्या करें, चल कोई बात नहीं लेंगे, अब दूसरा मोड़ क्या होगा, क्यों भाई। तो चोरों की निगाह तो मतलब भगवान का दर भी नहीं छोड़ती यार, ये तो चलो कोई बात नहीं, हो गया अब चोरी, पर बड़ा गुस्सा आ रहा, बड़ा महंगा जूता था स्केचर्स का, लोकल तो पहनता नहीं मैं, तो चलो कोई बात नहीं, उसको मेरे से आज जरूरत होगी, हो सकता है जूतों की, भगवान उसको भी देख ही रहा है, क्या करें, पहले बहुत स्ट्रेंज है यार बाबा जी के यहाँ से। चलो अब लेते हैं, अब देखते हैं कोई शोरूम खुला हो तो 9 बजे। हम पहली बार आए, इतने सालों से आ रहे हैं। हाँ ये पहली बार नहीं आया, बहुत सालों से आ रहा हूँ। अच्छा मेन सिक्योरिटी गार्ड बंदूक लेके वहाँ बैठा हुआ है, कहता भाऊ जी मुझे क्या पता कोई कौन सा जूता किसका है, मैं कहा भाई गलती तेरी भी नहीं, तुझे थोड़ा ना पता कि मेरा जूता था ये, कोई बात नहीं अब जाता हूँ शोरूम पे, देखता हूँ खुला हुआ तो फिर लूंगा अभी। मेरा जूता ले ले भाई साहब, नंगे पैर कब तक चलेंगे, शोरूम खुला हुआ नजर आ गया, आप लेने आया हूँ फटाफट। तो शोरूम क्लोज कर रहे थे 9:45 हो गए, बड़ी मुश्किल रिक्वेस्ट किया, वो जूता दिखा रहे हैं, पहन के देखते हैं, लेते हैं, जूता चोरी हो गया यार क्या करें। ये जूता फाइनल कर दिया हमने, सिमरन कह रही है मैले लग रहे हैं, मैला तो नहीं है, ठीक है, मेरे को पसंद है जूता यार, वो पहले से चल रहा था ये, चलो जिंदा भी होगा देख लेंगे। तो जूता मिल गया भाई साहब, कार अंदर जाने जगह, कह रहा 9:30 बजे क्लोज का टाइम है, आप 9:45 बजे आ रहे हो, फिर मैनेजर से रिक्वेस्ट करके बड़ी मुश्किल से, मैं कहा भाई जूते से नंगे पर घर नहीं जाना, फिर जूते लेके निकला हूँ यहाँ से, मतलब घर जा रहे हैं, घर जाके दिखाता हूँ आपको क्या क्या हो रहा है, बच्चे सुबह से क्या कर रहे हैं, अब जाके दिखाऊंगा आपको। हेलो कीमा क्या कर रहे हो भाई, पता क्या हुआ, पापा के शूज चोरी हो गए, कोई ले गया मैं वहाँ पे, ये फिर अभी न्यू लेके आऊँ ना, ये रहो। हाँ जी अम्मी जूते चोरी हो गए, कोई नहीं चलता है, तंग तो नहीं किया बच्चों ने, सही रहे मतलब, तंग तो नहीं किया तो नानी को, करा तो है, शक्ल देखो मस्ती है, ये कोई बोल नहीं रही, करी है तो नानी को, तंग मम्मी क्या तंग किया है बता, पढ़ाई नहीं की, इसको फिर एक काम करते हैं, इसको राजेश के घर पे छोड़ देते हैं करतारपुर साहब, ठीक है, घर पे रह लेगी राजेश जी के पास, नहीं आप बात करो, इसको लेके मत जाओ, ठीक है ना मम्मी, ठीक है, मैं लेके जाऊंगा, पनिशमेंट है तेरी ये। चलो
तो जैसे कि आप लोगों के प्यार मोहब्बत की वजह से आज हमारे चैनल को एक साल हो गया, इसलिए हम छोटी सी खुशी मना रहे हैं घर पे। तो अनीशा को हम कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं जिसकी वजह से चैनल बना। हाँ भाई मुबारक हो बहुत बहुत। हाँ तू भी बधाई दे दे, आ जा यहाँ पे बैठा वहाँ पे। आज एक साल हो गया चैनल अनीशा ने बनाया था यूट्यूब का, ये हमने तो ले लिया उसका चैनल। क्यों मम्मी? हाँ तो उसका चैनल है मम्मी, हम तो चला रहे हैं ऐसे ही, जब मर्जी को ले सकती है। क्यों भाई की माँ? थैंक यू दीदी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो। हम तो हम पेस्ट्री इसलिए काट रहे हैं क्योंकि सब अलग अलग फ्लेवर काटते हैं और मतलब खाते हैं फ्लेवर खाते हैं, मतलब मैं फ्रूट केक खाता हूँ, वो चॉकलेट खाती है, सुमन रेड वेलवेट खाती है, कौन सा भी खाते हो ना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ नानी का देखा पाइन एप्पल आ गया ना, इसलिए मैं उसके अलग अलग फ्लेवर लाया हूँ, पेस्ट्री लाया हूँ। चलो बहुत बढ़िया, सब खाना खाने के बाद खाएंगे ठीक है ना। सेकंड ओनर, हेलो मैं हूँ सेकंड ओनर, मैंने तुझे इंस्पायर किया था। चलो मैंने तो वो करते हैं ना, इंस्पायर मैंने किया था तुझे स्टार्ट करने। हाँ डैडी नहीं है। चलो दीदी चलो आधे एक सेकंड, दीदी को मैं खिलाओ दीदी को। वेरी गुड, ब्लैक फॉरेस्ट और पाइनएप्पल। नहीं नहीं ये सब नहीं करना, नहीं नहीं मुंह पलटो पलटो सिर्फ दो। क्या नहीं वन साइड लगाते हैं, अरे पैंट लगाते हैं, वन साइड लगाते हैं, तीन साइड लगाते हैं। अबे तीन साइड मत्थे पे लगाओ, चलो अब एंजॉय करेंगे बाकी घर पे। मेरी दादी है नहीं, नहीं 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 कल जाना है, दादी नहीं उधर चल, नहीं नहीं मजाक नहीं, नहीं नहीं मम्मी नहीं अच्छा दादा पागल है। उसको टच करा रही थी, मैं खा नहीं रहा, खा लिया ना, वेरी गुड। तो बस अब 11 बज गए हैं, अब खाना वाना खाएंगे फिर मैं वीडियो एडिट करूँगा, जल्दी सो जाऊँगा क्योंकि कल सुबह उसको थोड़ा एक काम है, वो काम निपटा के फिर अब निकलना है पंजाब के लिए। तो मतलब वीडियो जब आपकी आएगी तो हो सकता है मैं निकल के आऊँगा, नहीं सुबह 8 बजे तो निकलूँगा, वीडियो 8 बजे आ जाएगी। बाकी मेरे को अगर किसी ने रस्ते में मिलना है तो मैं सबको मिलता हुआ जाऊँगा, मुझे इंस्टा पर मैसेज कर देना, मेरी इंस्टा पर स्टोरी देखते रहना, मैं कहाँ पहुँच रहा हूँ, मैं कैसे कैसे आ रहा हूँ, पूरा अपडेट करता रहूँगा मैं एक ही चीज़ आप लोगों को। तो कल आपको मिलते हैं पंजाब में, फिर संडे को मिलते हैं करतारपुर साहब में। तो बस अब इस व्लॉग को अभी यहीं पे एंड करने का टाइम आ गया, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, कमेंट करके मुझे मेरी कमियां जरूर बता दिया करो, जो कमियां मैं आ गई उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। तो बाकी फिर कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, चलो कि मैं बाय। ये मेहनत आज खुद के पैरों पे जगह बना ली मैंने यहाँ पे दिल में गैरों के, मंजिल से भी बड़ी ये चीज मेरी जीत आपके मुस्कुराते